भारत ने चीन को घेरा। भारत के साथ कई देश चीन पर अकेला। हिंद महासागर में भारत का दबदबा, चीन का काला बादल छटा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने उठाया कदम और चीन हुआ दफन। ऐसा ही कुछ इस समय चीन के साथ हो चुका है। भारत ने हिंद प्रशांत महासागर में लगातार अपना दबदबा बनाने का फैसला कर लिया है और इसको लेकर भारत की तरफ से कई बड़े कदम भी उठा लिए गए हैं और ये बड़े कदम चीन को काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। भारत ने चीन की सारी मंशा पहले ही खराब कर दी है और अब तो भारत अकेला भी नहीं है। भारत के साथ कई देश सामने निकल के आ गए हैं जो कि इस चीज में भारत का साथ देंगे और चीन को कमजोर करने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चीन चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब हिंद प्रशांत महासागर पर सिर्फ और सिर्फ भारत का दबदबा होगा। जिस तरीके से लगातार चीन इस सीट पर अपना दबदबा करता हुआ चला रहा है, कहीं न कहीं भारत की तरफ से उसको भी अब बहुत तगड़ा और अच्छा सबक सिखाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत और चीन के बीच में हिंद महासागर पिछले 10 सालों से टकराव का एक नया केंद्र बन चुका है और हमें देखने को मिलता रहता है कि हिंद महासागर में चीन अपनी दादागिरी दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और इसी के चलते यहाँ पर अभी हमें फिर से देखने को मिल रहा है कि हिंद महासागर में चीन के युद्धपोत गश्त लगाते हुए देखे जा रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि चीनी जासूस जहाज और सबमरीन की वजह से हिंद महासागर में भारत की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। दोस्तों भारत के ऊपर पकड़ बनाकर चीन अभी तक अपने आप को दादा समझ रहा था, लेकिन भारत ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर अब भारत ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और चीन को हिंद महासागर में घेरने का एक बड़ा और कारगर तरीका अपना लिया है और इस चीज को कहीं ना कहीं बहुत बुरा और तगड़ा झटका चीन को लगने वाला है। और इसके लिए भारत की मदद करने के लिए फ्रांस और जापान जैसे देश सामने निकल के आ गए हैं और भारत के साथ मिलकर अब वो भी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ चलने का फैसला कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंद महासागर में मौजूद फ्रांस के यूरेनियन आइलैंड में वहाँ एक नेवल बेस पर भारत ने अपने शिकारी जहाज पियटाई तैनात कर दिया है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत का ये विमान फ्रांस के इलाके से चीन के ऊपर नजर रखने के लिए भारत ने इसको फ्रांस में तैनात कर दिया है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने अपने शिकारी विमान को तीसरी बार फ्रांस के रियूनियन नेवल बेस पर भेजा है। आपको बताते चले कि हिंद महासागर फ्रांस के लिए काफी अहम है और इस चीज में भी फ्रांस की काफी ज्यादा हिस्सेदारी है। हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप और मैतोब द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। फ्रांस हिंद महासागर में कई क्षेत्रीय संगठनों का भी सदस्य है और हिंद महासागर का एक बड़ा इलाका फ्रांस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। लेकिन चीन के लगातार बढ़ते इन इलाकों में दबदबे की वजह से फ्रांस काफी ज्यादा चिंतित है। दोस्तों ये बात फ्रांस बहुत अच्छे से जानता है कि हिंद महासागर में भारत लंबे समय से खिलाड़ी के रूप में रहा है और फ्रांस ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि भारत रणनीतिक रूप से इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से जानता है। इसी सब चीजों को देखते हुए हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अपना कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी और आतंकवादियों की चुनौती से लड़ने के लिए फ्रांस भारत के साथ मिलकर काम करने का फैसला कर रहा है और इसको लेकर विशेषज्ञ कहते हुए दिखाई दे रहा है कि इस इलाके में भारत को भी फ्रांस की काफी ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक से भले दो, और जब दो देश चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत महासागर में उतर जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों देशों में से किसी भी एक देश से उलझने से पहले चीन 1000 बार जरूर सोचेगा। दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति के तहत प्रशांत महासागर में भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है और इसी का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से भी कमर कस ली गई है। भारत इस समय फ्रांस और जापान के साथ मिलकर नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करने में जुट गया है। इस रणनीति के तहत भारत का समुद्री शिकारी पियटाई विमान फ्रांस के रियूनियन द्वीप के नेवल बेस पर उतरा है और यहाँ से वो आसानी से चीन के ऊपर नजर रख सकता है। दोस्तों चीन हमेशा से ये सोचता आया है कि हिंद महासागर में चीन को कोई भी देश परेशान न करे और जो मन करे चीन का वो चीन करता हुआ चला जाए। लेकिन यहाँ पर भारत और फ्रांस जिस तरीके से चीन के खिलाफ हिंद महासागर में निकलकर सामने आ रहे हैं, वो चीज कहीं ना कहीं चीन को आने वाले समय में काफी ज्यादा परेशान करने वाला है और इसको लेकर भारत और फ्रांस की तरफ से कई बड़े कदम भी उठाए जाएंगे जिससे चीन को बड़ा तगड़ा झटका भी लगेगा। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत और फ्रांस के इस कदम को देखकर चीन को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है और चीन के लिए ये दोनों देश कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना को कई लेवल और पोर्ट पर एक्सेस मिल गया है और इसी के चलते इसमें ज्यादातर जगहों पर अब भारत के जहाज ईंधन भरा सकते हैं और भारत की मजबूती इस समय ईरान के चाबहार बंदरगाह पर है, ओमान के दुर्गम पोर्ट पर है। भारत ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है और चीन की कब्र खोदने का भारत की तरफ से पूरा इंतजाम कर लिया गया है। वैसे भारत की इस रणनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे,
आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों वहीं हम बात करते हैं अमेरिका और रूस की खुफिया एजेंसियों की बैठक के बारे में। दोस्तों ये मीटिंग CIA प्रमुख बिल बर्न्स और SBR के प्रमुख सरगेई के बीच में हुई है और ये मीटिंग मंडे को हुई है और ये मीटिंग तुर्की की राजधानी अंकारा में की गई है और इसकी पुष्टि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने की है। यहाँ ये मीटिंग में तय हुआ है कि परमाणु हथियार का यूज यूक्रेन रूस जंग के दौरान नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और जो अमेरिकी कैदी हैं रूस के अंदर उन्हें रूस रिहा कर दे, बदले में हम रूसी कैदियों को रिहा कर देंगे, यानी कि कैदियों का फेरबदल किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई भी युद्ध रोकने की बात नहीं की है। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए काफी समय हो चुका है और अब तक ये पहली मीटिंग है क्योंकि दोनों देशों के बीच में जंग शुरू होने के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते थे। और अब जो ये पहली मीटिंग हुई है इसमें इन्होंने जो CIA प्रमुख बर्न्स को भेजा है ये बिल्कुल सोच समझ कर भेजा गया है क्योंकि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ये रूस में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। आप लोग सोचिए CIA का प्रमुख यानी कि एक जासूस को अमेरिका ने राजदूत बनाकर रूस में तैनात किया था। वहीं दूसरी तरफ 3 साल बाद शी जिनपिंग अपने घर यानी चीन से बाहर निकले हैं और इन्होंने G20 मीटिंग में कहा है कि पुतिन ने उनसे झूठ बोला। 3 साल तक तो जिनपिंग अपना राष्ट्रपद मजबूत करने में लगे थे और अपने विद्रोहियों को सबक सिखाने में व्यस्त थे और जब 3 साल बाद वो अपनी गद्दी को सुरक्षित देख के निकले तो उन्होंने G20 की मीटिंग में पुतिन को झूठा कहा और जिनपिंग ऐसी बात कहेंगे, क्या ऐसा किसी ने सोचा होगा? दोस्तों कुछ समय पहले जब चाइना विंटर ओलंपिक कर रहा था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंचे थे और चीन और रूस ने कहा था कि हमारी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है और यहाँ पर 4 और अधिकारी भी मौजूद थे और इन अधिकारियों ने पुतिन की बात भी सुनी थी और चाइना से लौटते ही पुतिन ने युद्ध शुरू कर दिया था और इन्हीं 4 अधिकारियों ने G20 की मीटिंग में इंटरव्यू दिया कि पुतिन ने उनसे सच नहीं कहा था। अगर पुतिन सच्चाई बता देते तो चीन ऐसी दुविधा में नहीं पड़ता। उन्होंने कहा यूक्रेन में चीन के 6,000 नागरिक मौजूद थे और उनमें से कई नागरिक मर गए युद्ध के दौरान उन्हीं समय और कई नागरिक यूक्रेन से नहीं निकल सके, लेकिन जिनपिंग के अच्छे दोस्त होने के बावजूद पुतिन ने हमें सच नहीं कहा। आपको बता दें कि ये अधिकारी बात कर रहे थे कि पुतिन को जंग शुरू होने से पहले जिनपिंग को बताना चाहिए था ताकि वो चीनी नागरिकों को यूक्रेन से पहले ही हटा लेते जिससे चीनी नागरिकों की जान माल सुरक्षित रहती। इनमें कई लोगों का कहना है कि चीन दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए ऐसी चीजें बोल रहा है, उसे क्या परवाह कि उसके लोग मरे या जिए।